प्रेज रॉड, प्रेज रॉड मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा था कि वीडियो 2 बजे अपलोड होगी और आपने देखा वो दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिखाया, दर्शन नहीं अपने आप को दिखाया, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और आज जो प्रभु ने मुझे पूरे अप्रैल महीने के लिए बोला है, ये 30 दिन, और ये 30 दिन सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं, यानी कि जो इस प्रार्थना को देख लेगा वो यकीनन हर चीज़ से आज़ाद हो जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, अप्रैल का महीना परमेश्वर ने क्या बताया है हम सब के लिए, प्रभु ने मुझे वचन दिया है और वो वचन हम सब के जीवन में कार्य करेगा। विश्वास करना हर एक कि जब प्रभु अपने आप को दिखा चुका है तो प्रकाश भी बड़े होंगे, चमत्कार भी ज़्यादा होंगे, सारी बातें पूरी होगी, यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। वचन है यहाँ पे यशा की किताब 43:18, यशाया 43:18। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी तो वचन बहुत पावरफुल है, हर एक वचन परमेश्वर का लिखा हुआ है और इसे हम विश्वास से रिसीव करेंगे। और जो आज भविष्यवाणी प्रभु ने मुझे बताई है हर किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। और वो भविष्यवाणी है यशा 43:18 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो बीत चुका है आपका कल, जो बीत चुका है आपकी घटनाएं, जो बीत चुका है आपका दुख, यानी कि कल तक 31 मार्च तक आप दुखी थे, निराशा में थे, परेशानी में थे, पाप में थे, वो अब स्मरण नहीं करो क्योंकि प्रभु आपको बदलने वाला है। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वे अब भी प्रकट होगी, क्या तुम्हें इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्दय देश में नदियाँ बसाऊंगा। हालेलुया। ये आशीष है, यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि जो पुरानी बातें हैं, पुराने श्राप है, पुरानी चीज़ें मत करो, क्योंकि मैं नया करने वाला हूँ। अप्रैल का महीना नया होने का है। हालेलुया। यानी कि अभी तक आपको चंगाई नहीं मिली, अभी तक आप संतान नहीं कर पा रहे, अभी तक आपकी शादी हुई, अभी तक ये पुरानी बातें थी, अब आप अपने लाइफ पे नया चीज़ देखोगे, नई नौकरी देखोगे, हालेलुया, परमेश्वर का प्रकाशन देखोगे, वो बात देखोगे जो अभी तक आपने नहीं देखी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मैं सबको नया कर दूंगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि गिदड़ और शत्रुमुख आधी जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जर देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर का वादा है मेरे से, तो रिसीव करे, परमेश्वर का वादा रिसीव करे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह मेरा गुणगान कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकाशन है मेरे अजीजों, ये परमेश्वर ने दिया है अप्रैल महीने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर की इच्छा से पूरी होती है, याद रखना। और ये तो पूरी होनी ही है, ये परमेश्वर की आवाज़ है। फिर से पढ़ूंगा मैं यशा 43:18 परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मेरे अजीजों, कि परमेश्वर ने वचन दिया है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं नई बात करता हूँ, वैसे अभी प्रकट होगी, क्या तुमने इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जर देश में नदियाँ बहाऊंगा, यानी कि जंगल में अभी तक आपका लाइफ जंगल थी, कुछ नहीं था, बेजान था। आज परमेश्वर को नया कर रहा है, बिल्कुल नया कर रहा है, आपका शरीर को नया कर रहा है, आपकी परिस्थिति को नया कर रहा है, आपके देश को नया कर रहा है, आपके कुटुंब को नया कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। और गिदड़ शत्रुमुख आधे जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, जो आपके विरोधी थे, जो परमेश्वर के विरोधी थे आपके घर में थे, वो भी प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जर देश में नदियाँ बहा दूंगा। आशीष की नदियाँ, आशीष का जल आपके जीवन में आ रहा है, जीवन का स्रोत आपके जीवन में आ रहा है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान कर सके। परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है, आपको बीमारी, तकलीफ, कर्जा, परेशानी नहीं रुक सकती मेरे जीजों। आज प्रभु ने आपको चुनकर ये ब्लेसिंग दी है, बोले आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में अप्रैल का महीना आपने हमें नया कर दिया, नई नई बातें, गुड न्यूज़ हमारे कानों में आएगी, नए समाचार हमारे कानों में आएंगे पिता। वो जो पुरानी बातें हैं, पुराने श्राप है, पुरानी चीज़ है, वो सब जाती रहेगी यीशु के सामर्थ्य में। हर कर्ज, हर परेशानी, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर पाप, हर अंधकार, हर ऐसा रिश्ता जो शैतान की ओर से था, वो बीत चुका है। अब से ये नई बातें करेंगे, अब से इनके जीवन जल आएगा, अब से पिता परमेश्वर तेरी नदियाँ इनके जीवन में बहेगी। हाँ और आमीन के साथ पिता ये रिसीव कर रहे पिता, और आज आपका
का प्रकाशन देख रहे इस पूरे महीने, गुड न्यूज से गुड न्यूज इस महीने आएगी। हालेलुया, प्रार्थना का जवाब मिले जाएगा, बाहर वीजा बनेगा। ओ पिता, जो ये मांग रहे मिलेगा उस पर चलो वरदान मिलेंगे, सब कुछ नया हो जाएगा। पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये नई हो गई है। आज तू इन सबको नया कर रहा है, नया कर रहा है, नया कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इस अप्रैल के भविष्यवाणी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा बोला और मैंने बोल दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रिसीव करे परमेश्वर महान है, कर प्यासी। जय मसीह की, गुड न्यूज़ डेली मिलेगी। जय मसीह।